ये गांधी जी की लैंप है जिसमें वो पढ़ते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एस्थेटिक धूप चेक। ओके, तो आज है सैटरडे और कल संडे। अब मेरी ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है। अब इन 2 दिनों में मुझे 2 व्लॉग शूट करने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी बचे हैं दोपहर के 4:45 एंड आई हैव नो क्लू वेयर शुड आई गो। बारागंबा बस स्टैंड पे उतर चुके हैं, तो हमें जाना है सेंट्रल पार्क। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हम लोग काफी देर से आवेश को ढूंढ रहे थे, आवेश नहीं मिल रहा था, फाइनली मिल ही गया रेड रेड लाइट टॉस करने के बाद। तो तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कहाँ पे हो? हम लोग ढूंढते ही रह गए। इधर आ गया तो भाई हाथ दिखा। गाइस, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सो रहा था, अब मुझे लोग शातिर तरीके से उठा के ले आए व्लॉग बनाने के लिए, और यार मुझे भूख भी बहुत तेज से लगी है, और ये व्लॉग के चक्कर में सब भूल गए हैं। अब होगा असली दंगल और हम जाएंगे चाउमीन खाने। ये सामने रश किस बात का हो रहा है? काफी भीड़ लगी हुई है। आज सेंट्रल पार्क बंद है। जब मैं आता हूँ, जब सेंट्रल पार्क बंद रहता है। फिर हमें आइडिया आया कि हम चरखा म्यूजियम भी तो जा सकते हैं। ओह, चरखा, गांधी जी वाला चरखा म्यूजियम ना। हम लोग खड़े हुए हैं चरखा म्यूजियम पे। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलने का समय है यहाँ का। यहाँ पे जो एंट्री करने की फीस है वो पर पर्सन 20 रुपीज़ है। एंड वन मोर थिंग इज, फोन्स आर अलाउड इन द म्यूजियम बट यू कांट टेक योर कैमरा विथ यू, दैट्स द रूल। थोड़ा सेंटेंस ढंग से। हाँ हाँ, नहीं गाड़ी आ जाती है, सेंटेंस गड़बड़ हुआ तो एग्जाम में तो नहीं लिखते हर सेंटेंस के पीछे। नहीं, एग्जाम में फर्स्ट टाइम गाना लिख के आ गया। हाँ मेरी कसम। इसके बाद कुछ और लिखा, फिर बीच में थोड़ा सा गाना लिख दिया, फिर कुछ और लिखा, फिर गाना इंग्लिश में लिखा था। और इंग्लिश में क्या लिखा था? इंग्लिश में अरे कुछ भी लिख दिया, कुछ भी। दादा को आके बता दिया गाना लिख के आया। थोड़ी देर पार्क में बैठने के बाद अब बारी थी म्यूजियम जाने की। इतना सही है? मैंने तो सोचा तो बहुत बड़ा होगा, आखिरकार 20 रुपए दिए हैं। एक बात बताऊं, इस म्यूजियम में फुल लिबर्टी है, फुल आजादी है। जो फोटो लेनी है, जो वीडियो बनाना है बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अरे वाह, उनको घुमा भी सकते हैं भैया। सी कितना चरखा चलाएंगे। ये है पंखुड़ी चरखा, इसका निर्माण हुआ है वो 1947 में हुआ है, डोनेटेड बाय श्री राजकरण। इस किसान चरखे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 अक्टूबर 2016 में लुधियाना पंजाब में KVIC के कार्यक्रम में काटा गया था। ये है बारदोली चरखा, ईयर ऑफ मेकिंग 1949, डोनेटेड बाय श्री करण सिंह, प्लेस उत्तर प्रदेश। ये गांधी जी की लैंप है जिसमें वो पढ़ते थे। वो ही गांधी जी की लाठी। ये गांधी जी की लाठी, इसी लाठी से अंग्रेजों को उन्होंने भगाया था। प्लीज अगर आप सीपी में आते हैं और अगर कोई भी सामान आप खाते हैं तो कृपया करके उसका जो रैपर है वो डस्टबिन में ही डालें।